टोल टैक्स की नई दरें मंजूर। आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1 अप्रैल से महंगी होगी यात्रा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1 अप्रैल से टोल टैक्स बढ़ जाएगा। अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त एवं यूपीडा के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित यूपीडा की 21वीं बोर्ड बैठक में नए टोल दरों का अनुमोदन किया गया। बोर्ड बैठक में दोनों एक्सप्रेसवे पर 1 अप्रैल से 1% से लेकर 2.9% तक टोल टैक्स बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वर्ष 2023 और 24 में हल्के मोटर वाहन पर 685 रूपए, हल्के व्यवसायिक यान पर 1090 रूपए, बस या ट्रक पर 2195 रूपए, भारी निर्माण कार्य मशीन पर 3365 रूपए और विशाल आकार यान के संचालन पर 4305 रूपए टोल टैक्स अदा करना होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल वर्ष 2023 और 24 में हल्के मोटर वाहन पर 655 रूपए, हल्के व्यवसायिक यान पर 1035 रूपए, बस या ट्रक पर 2075 रूपए, भारी निर्माण कार्य मशीन पर 3170 रूपए और विशाल आकार यान पर 4070 रूपए टोल अदा करना होगा। यह वृद्धि 0.1% से लेकर 2.9% तक की है। मनोज कुमार सिंह ने विकासकर्ता कंपनियों और यूपीडा के अधिकारियों को गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य गुणवत्ता पूर्व कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया, गंगा एक्सप्रेसवे पर अब तक की C&G क्लियरिंग एंड ग्रमिंग का कार्य 88% तक अधिक किया जा चुका है। मिट्टी का कार्य भी 20% तक अधिक पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना में एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे में सेफ्टी कंसल्टेंट्स की नियुक्ति के लिए बिड प्रक्रिया के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चेंज ऑफ स्कोप के तहत हो रहे कार्यों का भी अनुमोदन किया गया। बैठक में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लखनऊ कानपुर तथा अलीगढ़ नोड में अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। बैठक में प्रमुख सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास व यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण सहित अनेक अधिकारी मौजूद थे।